वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल इंडियन कानून इन हिंदी में। तो आज की वीडियो में हम सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए एक ऐतिहासिक फैसले के बारे में बात करेंगे कि क्या पत्नी मायके से 498A का केस कर सकती है। पत्नी अगर झूठे आरोप लगा रही है और वो अपने मायके में जाकर आपके खिलाफ केस करती है तो ये देखा जाता है कि पत्नी के साथ घटनाएँ कहाँ पर घटित हुई हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर पत्नी आपके साथ बेंगलोर में रहती है और वहाँ पर उसके साथ कोई घटना घटित होती है तो केस मायके में जाकर कैसे फाइल हो सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस केस का दूसरा पहलू भी देखा। जैसे कि पहले हमने देखा कि पति पत्नी बेंगलोर में रहते हैं, लेकिन अब हम ये देखेंगे कि वास्तव में पत्नी के साथ क्रूरता हुई, पति ने अपनी पत्नी को गाली गलौज और मारपीट करते हुए घर से बाहर निकाल दिया। अब पत्नी को बेंगलोर में रहने के लिए जगह नहीं है, तो ऐसे में पत्नी अपने मायके ही जाएगी। ये कैसे संभव है कि बिना किसी जान पहचान के पत्नी बेंगलोर में रहकर अपने पति पर केस करती? तो ऐसे में पत्नी अपने मायके से ही केस करेगी। ये दो पहलू सुप्रीम कोर्ट के सामने थे। इन सारी स्थितियों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पत्नी अपने मायके से भी अपने पति पर केस कर सकती है। अगर आप कहीं और रहते हैं और आपकी पत्नी कहीं और केस किया है तो आप ज्यूरिसडिक्शन के बेस पर केस को खारिज नहीं करवा सकते। तो आई होप दोस्तों, इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो ऐसे ही कानून से संबंधित जानकारियां पाने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।